ट्रकों वाली फैमिली है ना, ये सुलह नहीं करते, इनके बारे में ये सुलह नहीं करते। जिस तरह इसके परदादे का कत्ल हुआ बलाज के, उन्होंने उसको भी टच भी नहीं किया। जोरदार पहलवान जो खारे में घूलता है, कुश्तियाँ लड़ता है, उसमें जोर होता है जवानी में, लेकिन हर पहलवान बदमाश नहीं होता। इसने फायरिंग की, दूसरों बाद में ये इन्होंने उसका ये भी कहा, जी हमने नहीं की, उसका इकरार नहीं किया, लेकिन गूंगी गलत बैठ के घर पर भी फायरिंग हुई, टीवी के घर पर फायरिंग हुई, उन्होंने परसू भी किया, फिर उन्होंने पता किया किसने किया, तो नाम इसी का आ रहा था। और ये चूंकि अपने वालद के टीपू के मुकदमे की पैरवी भी कर रहा था, भाई पहलवान इसका जो इसके बाप का मामा वो उसमें मुदई था, इसका जो केस था ये आखिरी मरहल में था, और उम्मीद थी कि ये जीत जाएंगे और उनको सजा हो जाएगी, लेकिन उससे पहले ये कत्ल हो गया। और अब उसका वो असद शाह वगैरह ये पुलिस पकड़ रही लोगों, ये बलाज ने फायरिंग की थी जब ये नया नया आया था, 3-4 साल पहले की बात है, जवान था, बाप का पता नहीं, सारा जिम्मेदारी इस पर थी, मुकदमे लेके चलने, अड्डा चलाना, फिर इसने लोगों से मिलना शुरू किया, लोगों की मदद शुरू की, चाहता था कि लड़ाई ना हो, मेरी सुलह हो जाए इसी तरह का चाहिए, लेकिन चूंकि जिम्मेदारियाँ थी, फिर जब एक दफा बंदा पहलवान बन जाए, अड्डे पर बैठ जाए, डेरेदार बन जाए, उसके लिए फिर पीछे आना बड़ा मुश्किल हो जाता। इसके दादे का नाम था मीरुद्दीन बिला ट्रका वाला, उफ बिला ट्रका वाला। नीफे ने, बीदिया ने अपने दोस्तों को कहा कि सुबह के टाइम बिला नमाज पढ़ के, बिला ट्रका वाला नमाज पढ़ के अपने डेरे में मुशहरी में बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा था, इन्होंने आगे फायरिंग की और उसको कत्ल कर दिया। पहले ज़माने में होता था, आज से 25 साल पहले, ये किराए के कातिल। शेख आफ्ताब हनीफ मेरा नाम है, तकरीबन 40-43 साल से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, 26-27 साल मैंने क्राइम रिपोर्टिंग की है, और जो वाक़यात हुए उनको रिपोर्ट किया हुआ। ये हुआ था इस तरह, इसके दादे का नाम था मीरुद्दीन बिला ट्रका वाला, उफ बिला ट्रका वाला। तो ये इनके ट्रांसपोर्ट का कारोबार है, ट्रांसपोर्ट गड्ढा है इनका वहाँ पर लोहारी गेट में, शालमी में। इसके पास एक मुलाजम था ईदू, वो रहता था अंदरून लोहारी गेट में, उसका एक उसके दो बेटे थे हनीफा और बाबा, जवान थे, कसरती थे। एक दिन वो अपने बाप को मिलने बिले पहलवान के अड्डे पर आया, उसने उसको देखा, उसने उसको ईदू को कहा कि इसको मेरे पास रख लो, गन मैन। ईदू के लिए और क्या चाहिए था, एक नामवर पहलवान ने उसके बेटे के लिए कहा रख लो, तो उसने रखवा दिया। इस दौरान बिला ट्रका वाला का बेटा टीपू भी जवान था, इनकी दोस्ती हो गई। दोस्ती जब हो गई तो फिर जाहिर है पहलवानी में हरकतें भी शुरू हो गई। एक केस हुआ जिसमें ये हनीफा बाबा और एक था वो वेदियाँ, वहीद उल वेदियाँ, उन पर हो गया, उनका वो नामजद किया उन्होंने। बिले पहलवान ने अपने बेटे टीपू को तो क्लियर करवा लिया, लेकिन इनकी जमानतें नहीं कराई। इस चीज़ का उनको रंज था कि हम इनके लिए काम करते हैं, अपने बेटे को छुड़वा लिया, हमने बात दिल में रख लिया। तो इस वजह से फिर बाद में उनकी जमानतें भी हो गई। लोगों का ये कहना है कि नीफा बाबा वगैरह जो हैं वो उनका ग्वाल मंडी के टीफी और भोगी वगैरह के साथ, भट्ट वगैरह के साथ हो गया था ताल्लुक। उन्होंने फिर नीफे ने, बीदिया ने अपने दोस्तों को कहा कि सुबह के टाइम बिला नमाज पढ़ के, बिला ट्रका वाला नमाज पढ़ के अपने डेरे में मुशहरी में बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा था, इन्होंने आगे फायरिंग की और उसको कत्ल कर दी। एक हफ्ते के बाद उसके दिल का ऑपरेशन था, 3 वाल्व बंद थे बिले के, उसका ऑपरेशन था बाईपास, लेकिन उसकी मोहलत नहीं मिली, उससे कबल ही उन्होंने उसको कत्ल कर दिया। ये वाकया हुआ है यहाँ पे अड्डे पे पहला, लेकिन बलाज का दादा तो कत्ल हुआ, इसका परदादा भी कत्ल हुआ, पाकिस्तान बना ना जब, तो उसके बाद ये चूँकि ऑलरेडी इलाके में पहलवान थे और बड़े डेरेदार थे और बड़े लोग इनका एक टैका था। अमृतसर से एक बंदा आया, पहुँचा पहलवान, उसका नाम था शायद, इसके दादे का नाम था खलीफा, उसको कहते थे, मैं नाम जेन से निकल गया। इनकी आपस में इलाके में चुकराहट की वजह से चपकली शुरू हो गई। एक दिन वहाँ पे वो जो है इलाका ग्वाल मंडी में गुरुवर्जन नगर, वहाँ पे इनकी मुठभेड़ हुई ना जब, तो पहुँचा पहलवान ने, वो जो नहीं होती वो क्या कहते हैं उसको, वो भूसा उठाने वाली तरंगली, वो उसके पेट में मार, वो जख्मी हुआ, हॉस्पिटल गया, लेकिन वो फोत गया। लेकिन इस दुश्मनी के साथ, यानी ग्वालमंडी के भट्ट बरादरान और टीपू ट्रका वाले के दुश्मनी का उसका कोई ताल्लुक नहीं। बाद में जिम्मेदारी उसके बेटे बिले पहलवान पे आ गई, जिन्होंने अड्डा भी संभाला, फिर वो दुनियादारी भी संभाली और लोगों के फैसले भी करते रहे। 1900 मुझे सही याद नहीं है, शायद 90 का है, टीपू ने जब बाप की जगह संभाली तो सारे मुकदमे दुश्मनियाँ, चूँकि ये टीपू की वजह से हुआ था तो ये सारा कुछ उस पर आ गया। बड़ा मुताद आदमी था, बड़ा मुताद था। 4 हमले हुए उस पर, 3 हमलों में 2 में तो बच गया, 1 में जख्मी हुआ सेशन कोर्ट के बाहर, लेकिन 4th जो हुआ एयरपोर्ट के वहाँ पे क्या कहते हैं उसको पार्किंग में,
वो उसके लिए जानलेवा था। ग्वाल मंडी में वो हैं, शारवी में वो ये हैं। चुदराहट, एक दूसरे के मामलात में मुदाखलत, ये दुश्मनी की बुनियाद बनी और ये फिर चलती रही बढ़ती। ग्वाल मंडी में रियाज गुजर नाम का एक बंदा था, बदमाश था, बड़े रोब थे उसके, लोग खौफजदा रहते थे। उसने इनके बहनोई को के साथ जाती की, बदतमीजी की। इन्होंने जाके फिर उसके घर में फायरिंग की। रियाज गुजर घर में से निकला ही नहीं, बाद में वो तबाही मौत मर गया। यहाँ से इनका फिर नाम बना। फिर जब किसी का नाम बनता है तो फिर बनता ही चला जाता। फिर और इस किस्म के लोग, बदमाश लड़ाके, वो सारे मिल जाते हैं, फिर एक गैंग बनता। इस दुश्मनी में टीपू वाले जो केस है, इस दुश्मनी में बड़े बंदे कत्ल हुए हैं, ये नीफा वगैरह, ये वो सारे और विधियाँ, ये पुलिस मुकाबले बेशुमार बंदे। नहीं, ये पुलिस ने मारा, वो तो दहशत की अलामत बन गए थे। उसमें पोला सुना, जेल में उनकी दोस्तियाँ हो गई, पोला सुना रहे सियालकोटिए से, फिर और लोग मिल गए, उन्होंने और भी कहा जाता है टिकेटियाँ भी मारी उन्होंने। पुलिस के लिए सर दर्द बन गए थे, टॉप 10 थे वो। तो पुलिस ने फिर उनको एक एक करके मार दिया। दुश्मनी खत्म नहीं, दुश्मनी तो फिर चल निकली ना, पीछे जो थे लोग भट्ट बरादरान के साथ, टीवी भट्ट और गोगी भट्ट का दुश्मनी उनके साथ ही। ये जो दरमियान में लोग है, ये तो मारे गए या पुलिस मुकाबले में मारे गए, दुश्मनी का भी है नहीं किया। वो डिपेंड करता रहा अदालतों कचहरियों पर, पुलिस पे। उसने कोई उनके कोई इनके ऊपर, हाँ ये बलाज ने फायरिंग की थी जब ये नया नया आया था, 3-4 साल पहले की बात है, जवान था, बाप का पता नहीं, सारा जिम्मेदारी इस पर थी, मुकदमे लेके चलने, अड्डा चलाना। फिर इसने लोगों से मिलना शुरू किया, लोगों की मदद शुरू की, चाहता था जब लड़ाई ना हो, मेरी सुलह हो जाए किसी तरह का चाहिए, लेकिन चूंकि जिम्मेदारियाँ थी, फिर जब एक दफा बंदा पहलवान बन जाए, अड्डे पर बैठ जाए, डेरेदार बन जाए, उसके लिए फिर पीछे आना बड़ा मुश्किल हो जाता। इसने फायरिंग की, दूसरों बाद में ये इन्होंने उसका ये भी कहा, जी हमने नहीं की, उसका इकरार नहीं किया, लेकिन गोगी के बट के घर पे भी फायरिंग हुई, टीवी के घर पे भी फायरिंग हुई। उन्होंने परसू भी किया, फिर उन्होंने पता किया किसने किया, तो नाम इसी का आ रहा था। और ये चूंकि अपने वालद के टीपू के मुकदमे की पैरवी भी कर रहा था, भाई पहलवान इसका जो इसके बाप का मामा, उसमें दही था, इसका जो केस था ये आखिरी मरहल में था, और उम्मीद थी कि ये जीत जाएंगे और उनको सजा हो जाएगी, लेकिन उससे पहले ये कत्ल हो गया। और अब उसका वो असद शाह वगैरह ये पुलिस पकड़ रही लोगों। सियासी मदद देखें, सियासी मदद अपने लिए ही होती है। कोई सियासतदान आपको मदद करेगा किसी इन्फ्लुएंशियल बंदे को, तो वो उसकी मदद नहीं कर रहा होता, वो उसके जरिए लोगों से वोट लेने के लिए, दाग बटाने के लिए, अपने नाम के लिए कर रहा होता। वो किसी के कत्लों में नहीं जाते। वो उन्होंने आज़ाद पहनाया, वहाँ में पहला गली बने वोट मत डालने, वो किसी पार्टी के साथ नथी हो जाए और उनके कत्लों में शामिल हो जाए, उनके जराय में शामिल हो जाए, तो लोग तो उनको मार देंगे।